आतंकवादियों को खोजने में पुलिस बल लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी इन आतंकियों की कोई खबर नहीं हाथ लग पा रही है। इस पर होगी बात। जी हाँ, दो आतंकियों की खोज। ये आतंकी आखिर हैं कहाँ, कौन बताएगा? अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा गया, पुलिस प्रशासन को रखा गया, उसके बावजूद भी इन दोनों आतंकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत के दक्षिणी हिस्से में आतंकी देखे गए, सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में आतंकी देखे गए, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत नेपाल सीमा से नेपाल जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इन दो आतंकियों के बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। एक रिपोर्ट के जरिए खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में घुसे खोखार आतंकी, हाई अलर्ट पर प्रदेश, बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं आतंकी। दक्षिण भारत से जुड़े आतंकियों के तार, अयोध्या को निशाना बना सकते हैं आतंकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी दिल्ली को बना सकते हैं निशाना। नेपाल सीमा पर छिपे हैं आतंकी। नेपाल के रास्ते से दो आतंकी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सटी सीमा का इस्तेमाल कर भारत में घुस आए हैं। आतंकी घुसपैठ की सूचना मिलने पर एटीएस पूरी तरह से सक्रिय है। अपने नेटवर्क के जरिए एटीएस आतंकियों की खोज में जुटी है। बस्ती जिले में दो आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी सबसे पहले खुफिया विभाग ने यूपी पुलिस को दी। बस्ती जोन के पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए समस्त जानकारियों को यूपी एटीएस के आला अधिकारियों को दिया। इसके बाद इनपुट के आधार पर एटीएस के आला अधिकारियों की टीम ने बैठक कर अपने नेटवर्क को सक्रिय किया है। बस्ती, गोरखपुर और आसपास के जिलों में नेटवर्क फैलाकर दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। बेसिकली देखिए, ये गोपनीय टाइप की इन्फॉर्मेशन है, इसमें इस तरह के अलर्ट्स हम लोग को रूटीनली आते रहते हैं, जिसमें कि मुख्यालय से हम लोगों को फोटो भेजी गई दो लोगों की, और ये कैसे मीडिया में आ गई ये एक दूसरा प्रश्न है, परंतु ये बात सही है कि वो दो वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं, और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था, ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रिहेंड कर लिया जाए। दोनों आतंकियों की पहचान ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद के रूप में हुई है। भारत की सीमा में घुसने के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा को देखते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस, यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसी कोशिश में जुटी है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती आने जाने वाले मार्गों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या आतंकियों के निशाने पर है। हमेशा से 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर आतंकी भारत को दहलाने की फिराक में रहते हैं। दोनों आतंकियों के भारत की सीमा में घुसने के 50 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यूपी एटीएस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। दोनों आतंकियों के बारे में मिली जानकारी के अनुसार मोइनुद्दीन के तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं। मोइनुद्दीन को 2017 में एनआईए ने चेन्नई से पकड़ा था। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस से जोड़ने में मोइनुद्दीन को महारत हासिल है। मोइनुद्दीन आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के भी संपर्क में है। वहीं आतंकी अब्दुल समद दक्षिण भारत में सक्रिय है। समद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य रह चुका है। समद को 2018 में सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। समद का संबंध सिमी से भी रहा है। उसका मुख्य काम आतंकियों को हथियार की सप्लाई करना है। हालांकि समय रहते इनपुट मिलने के बाद और पुलिस की मुस्तैदी ने फिलहाल ऐसी किसी अनहोनी को टाल दिया है, लेकिन पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी ऐसे संवेदनशील मौके पर अपनी सक्रियता दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।
तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया गोरखपुर में, बस्ती में, बहराइच में आतंकियों को पकड़ने के लिए। हालांकि आतंकी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन एसपी ग्रामीण बहराइच के क्या कह रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इन आतंकियों को, वो आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस के दो आतंकियों की घुसपैठ की सूचना है, जो भारत के बॉर्डर के रास्ते नेपाल में प्रवेश करने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर खुफिया अलर्ट जारी हुए हैं। हम उसी संबंध में बॉर्डर के जिले बहराइच के एसपी ग्रामीण रवि कुमार जी से बात करते हैं कि आखिर क्या जानकारी और इनपुट मिले हैं, क्या बताना चाहेंगे उसको, किस तरीके से अलर्ट हैं। जी रवि कुमार जी, हमारा जो बहराइच बॉर्डर है वो खुला हुआ बॉर्डर है नेपाल के सीमा के साथ, और हमारे पास थाने जो उस बॉर्डर से लगे रहते हैं, तो पास थानों में चेकिंग की व्यवस्था आई है, लेकिन सबसे पहले बॉर्डर पे एसएसपी लगी है, उनकी भी पोस्ट है जो दिन रात गश्त करते रहते हैं और किसी भी अवांछनीय गतिविधि पे निगाह रखते हैं, तो बॉर्डर पे सतर्कता जितनी संभव है उतनी की जा रही है। जिस हर तरीके से लेकर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर रविंद्र कुमार जी ने बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है और हर तरीके से लोगों से जागरूक भी किया जा रहा है। बहराइच से आरएन टीवी के लिए अजय शर्मा। अजय जुड़ रहा है हमारे सहयोगी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अजय, सुरक्षा व्यवस्था के कितने इंतजाम, कैसे इंतजाम, सीमाओं को कैसे सील किया गया है, या आतंकी भारत में ही है या बाहर निकलने में कामयाब रहे, कोई जानकारी? निश्चित तौर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दो खूंखार आतंकियों के घुसपैठ की सूचना है कि वो भारत के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं, और उसको लेकर के जिस तरीके से बहराइच जिले में अलर्ट किया गया, बहराइच के पुलिस ने इस बात को ताकीद की है कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है, तमाम तरीके की चेकिंग की जा रही है। बाकायदा जिस तरीके से फोटोग्राफ भी दो आतंकियों की जारी हुए है, जिसमें ख्वाजा मुहिद्दीन और अब्दुल समद, जिनका नाम पूरे विस्फोट के सामने भी जोड़ा जा गया है कि उसमें इनका नाम रहा है, उसकी तफ्तीश के लिए और तमाम तरीके के अलर्ट को देखते हुए बहराइच पुलिस अलर्ट है। आप देखते हैं किस तरीके से बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। हालांकि अभी बहुत कुछ बोलने को जिले के जिम्मेदार तैयार नहीं है, बहराइच के पुलिस निरीक्षक ने भी इस बात को कहा है कि हम बहुत कुछ इस पर नहीं कह सकते, क्योंकि जो इनपुट मिले हैं वो तमाम तरीके से इंटेलिजेंस के इनपुट्स है, ये अपने तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया गया, लेकिन बहुत कुछ बताने के मूड में नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिएगा अजय, फिर आएंगे आपके पास हम अपडेट के लिए।